आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, देखते हैं कुछ सेंटेंस। वह जा रहा है, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं। यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, लेकिन इनको हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप टेंस कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये जो सेंटेंस है ये खत्म किस शब्द से हो रहा है। ये खत्म हो रहा है से, ये खत्म हो रहा है हो से, हूं से, है हो हूं, एक ही वर्ड आएगा कॉमन हा। जब कोई भी सेंटेंस खत्म होता है हा से, तब आप मान जाइए, समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। सेंटेंस के सबसे लास्ट का शब्द देखेंगे है, और जस्ट उसके एक पहले वाला शब्द देखेंगे ये लिखा हुआ है रहा। अब क्लियर हो गई बात। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्योंकि कंटीन्यूअस की पहचान है रहा। अब हम टेंस बनाकर के देखेंगे, एक बार ट्रांसलेशन यहाँ पर बनाकर देखेंगे। यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टेंस पहचानेंगे। हमने टेंस पहचान लिया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। ही, यू, आई। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, सब्जेक्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा कैटेगरी आपका प्लूरल। सिंगुलर कैटेगरी में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, और इसके साथ में आप सिंगुलर दे सकते हैं बॉय। प्लूरल की कैटेगरी में देखिए आई, वी, यू, दे, बॉयज, ये आएंगे आपके प्लूरल की कैटेगरी में। अब हम देखते हैं कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर की कैटेगरी में जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, बट यहां पर आई के साथ एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब आती है, ये है एम। ट्रांसलेशन में एम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है और वो भी आई के साथ में। और यहां पर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी, यू, दे, बॉयज, इनके साथ में आएगा आर। तो हमारे पास तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं। पहली कौन सी है, इज, एम, आर। इनको आप अलग से भी लिख सकते हैं, यहां पर इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में, आर प्लूरल के साथ में। दूसरी एक चीज हमें और करनी है, और वो ये करनी है, हेल्पिंग वर्ब के में तो हमने देख लिया कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आती है, दूसरी चीज हमें क्या करनी है, वर्ब के साथ में आई एन जी लगानी है। वर्ब प्लस आई एन जी। जी बिल्कुल, दो चीज करनी है, क्या करनी है, एक हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है इस सिंगुलर के लिए, इस सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल के लिए, और दूसरी चीज क्या करनी है, जो मेन वर्ब है उसमें हमें आई एन जी लगा देना है। अब हम बना करके देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह, ही के साथ क्या आएगा, इस, ही के साथ क्या आएगा, इस। हम यहां पर करेंगे ही इज। अब क्या करेंगे, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ही के साथ में इज आएगा, मेन वर्ब गो में हमने लगाया आई एन जी, ही इज गोइंग। तुम जा रहे हो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। यू आर गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम गोइंग। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए वाक का टेंस पहचानना है,
उस वाक का टेंस कैसे पहचानेंगे, सबसे अंतिम वाले शब्द को पकड़ेंगे, सबसे अंतिम वाला शब्द क्या है प्रेजेंट टेंस में है और उसके पहले क्या लिखा हुआ है रहा, चूंकि कंटिन्यूअस की पहचान रहा है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसके साथ एम आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। एक बार सेंटेंस फिर से बना करके देखते हैं, वह जा रहा है ही इज गोइंग, तुम जा रहे हो यू आर गोइंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग। तो ये इसको ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान है। प्लीज इस शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, सजेशन है तो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।